दिस इज पिंकी एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी बातों से लग रहा होगा आज मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ जूडियो, वो भी आप सभी के लिए। पता नहीं क्यों पर ये जूडियो आजकल काफी चर्चे में है, हर कोई जूडियो के बारे में बात कर रहा है। एंड मैंने सुना है कि जूडियो में काफी सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो जब इतना कुछ सुनने में आ ही रहा है और जूडियो मेरे घर के ही पास में है, लिलुआ में कुछ टाइम पहले ही जूडियो खुला था तो मेरे घर के वो बहुत ही पास है, तो क्यों ना एक बार जाके एक्सप्लोर किया जाए कि आखिर ये इतने चर्चे में क्यों है। वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी पर फाइनली आज मैं जा रही हूँ और मैं ट्राई करूंगी आप सभी के लिए वहाँ के हर एक कैटेगरीज को ट्राई करना और आपको जरूर दिखाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना देखने के लिए वहाँ पे क्या अच्छे कलेक्शन है एंड किस प्राइस रेंज में है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर जूडियो विथ मी। ओके, तो मेरी सवारी निकल चुकी है जूडियो के लिए। एंड मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहूंगी कि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया है कि मैं 2000 से ज्यादा की शॉपिंग नहीं करूंगी, तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मैं इतने में क्या क्या लेने वाली हूँ। तब तक के लिए लेट्स एंजॉय द जर्नी। फाइनली वी रीच्ड जूडियो एंड एंटर करते ही मुझे काफी स्पेसियस लगा एंड काफी अच्छा भी लगा, तो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले मैं गई टी शर्ट वाले काउंटर पे। यहाँ पे 199 में कैजुअल टी शर्ट्स दिख रहे थे और काफी कलर ऑप्शंस भी थे जो कि मुझे अच्छा लगा। जीन्स के काफी वैरायटी थे यहाँ पे, देखने में तो अच्छा लग रहा था और सिर्फ 799 से स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने ट्राई करने के लिए लिया, देखते हैं फिटिंग कैसी होती है। फिर बात करें ड्रेसेस की, तो ड्रेस के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा भी नहीं थे बट अच्छे खासे थे एंड प्राइस रेंज मुझे कुछ अलग नहीं लगा। 799 से स्टार्ट हो रहे थे, ये तो अदर ब्रांड्स में भी मिल जाते हैं। चलो कुछ और देखते हैं। मुझे यहाँ के सैंडल्स की कलेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और यहाँ सारे फ्लैट्स थे, हील्स का तो नामो निशान नहीं था एंड यह 199 से स्टार्ट हो रहे थे। और कुर्तीस यहाँ पे 299 से स्टार्ट हो रही थी और कुर्तीस में डिज़ाइंस भी काफ़ी सही थे, अच्छे थे, डेली वेयर के लिए या फिर ऑफिस वेयर के लिए अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे वहाँ पे। फिर ना मैं गई इस एरिया में, ये एरिया देख के मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे 29 करके वेट वाइप्स मिल रहे थे और सिर्फ 99 में माइसेलर वाटर एंड 199 में ये 4 पीस का नेल पेन कॉम्बो था जो कि बहुत अच्छा था। 49 के शीट मास्क मिल रहे थे यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लचर और स्क्रंचीज के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे बट सारे के सारे 79 से स्टार्ट हो रहे थे जो कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। 20-30 रुपए में तो बाहर ही मिल जाते हैं। फिर पूरा एक्सप्लोर करने के बाद जो भी मुझे लगा मैं गई ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में, तो लेट्स हैव अ लुक मैंने क्या क्या पिक किया। शॉपिंग यहीं पे खत्म हुई, बिलिंग कराया और बाहर निकल गई। ओके गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम जूडियो एंड मैं काफी थक गई हूँ। पता नहीं यार जूडियो इतना हाइप क्यों हो रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा। जूडियो के कलेक्शन मुझे ओके लगे, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे 2000 से ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी है, और सच कहूँ तो 2000 के अंडर मैंने शॉपिंग की है और इससे ज्यादा मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ मैं ये भी ले सकती थी, मैं वो भी ले सकती थी। तो ऑल ओवर जूडियो मुझे ओके लगा। अगर आप अभी तक एक बार भी नहीं गए हो तो आप जा सकते हो, आप देख सकते हो वहाँ के कलेक्शंस। तो आप सोच रहे हो कि मैंने क्या क्या लिया है, तो चलो फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहला आई बॉट दिस ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस। लुक एट दिस ड्रेस, इसका नेक बहुत प्यारा है एंड ये ड्रेस ना तो बहुत ज्यादा शॉर्ट है ना ही फुल लेंथ की ड्रेस है, ये एक मिड लेंथ ड्रेस है। इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया है और इसमें साइड में स्लिट भी दिया है जिसकी वजह से ये ड्रेस और भी अच्छा लुक दे रहा है। और ये मैंने लिया है सिर्फ 899 में, तो प्राइस मुझे नॉर्मल लगा, इतने में तो ऑनलाइन भी मुझे ड्रेस मिल जाएगी, बट इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड फिटिंग भी अच्छी थी, सो मैंने इसे ले लिया। सेकेंड आई बॉट दिस सी ग्रीन कलर का टी शर्ट। ये कैजुअल टी शर्ट है, ये मैंने 199 में लिया। इसकी एक चीज मुझे अच्छी लगी जो है इसका नेक, ये वी नेक का है तो नॉर्मली राउंड नेक टी शर्ट से अलग लुक आ रहा है बट क्वालिटी वाइज उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद मैंने लिया है ये ग्रीन टॉप, सेम पैटर्न है, सेम साइज है, बस कलर डिफरेंट है। देन आई पिक दिस ब्लैक टी शर्ट।
ये भी 199 का है, नॉर्मल कैजुअल राउंड नेक टी शर्ट है। इसकी क्वालिटी पहले वाले टी शर्ट से ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे। एंड लास्टली मैंने एक 49 का शीट मास्क लिया, हनी एंड विटामिन सी वाला, एंड ये 29 का आई मेकअप रिमूवर वेट वाइप्स लिया। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड देख के काफी मजा आया हो और आपको अच्छी खासी आइडिया मिल गई होगी जूडियो के बारे में। तो यहाँ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।